हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे नए ब्लॉग में रुचि दीपक लाइफ में। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने देहरादून के मतलब रेंट में रहते हैं यहाँ का ब्लॉग बनाने वाली हूँ। मतलब हम मई में घर चले गए थे, उसके बाद हम अब आए हैं, तो मतलब मैं वही थोड़ा बहुत जो रूटीन होता है घर का वो आज मैं इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। और क्या पता कुछ बीच में इंटरेस्टिंग सा हो जाए, देखते हैं क्या होता है। और चलो फिर, अभी बुबू सोई है, बुबू के पापा उधर हैं, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं और मैं बस यहाँ पे हूँ आपके साथ। और अब मैं सबसे पहले करती हूँ सफाई, उसके बाद बनाऊँगी चाय, आगे आगे के कार्यक्रम होते रहेंगे। और गाइज ये देखो, मैंने आईब्रो भी नहीं बनाई कब से, भाई कब से नहीं बनाई। और मेरी आईब्रो ख़राब भी कर दी थी, इस वजह से मैंने बनाई नहीं। और मैं सीधे बनाऊँगी बाद में मतलब 15-20 दिन बाद बनाने वाली हूँ। और आपको दिखाती हूँ, बुक्कू सोई है, इतनी चटक धूप लगती ना भाई उस रूम में, दिखाती हूँ। जैसे कि आपने देखा, बुबू अभी सोई है और बहुत ही तेज उस रूम में धूप लगती है, रात को बहुत ठंडा रहता है। और यहाँ मतलब हमारे श्रीनगर से काफ़ी ठंडा हमें लगा, श्रीनगर में तो फिर भी बहुत गर्मी है अभी भी, मतलब है, इतनी नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया यहाँ पहले से, लेकिन है। और यहाँ ठंडा हो गया, यहाँ मतलब लग नहीं रहा कि गर्मी होगी, मतलब खैर अब तो मौसम ठंडा आ चुका है, लेकिन फिर भी मतलब जो भी बोलो यार, श्रीनगर में गर्मी तो है, कुछ भी बोलो बस। और अभी तो बहुत सारा काम है, अभी मुझे सफाई भी करनी है और बहुत कुछ। और हमारा बुग्गू भी उठ के आ चुका है, अभी आइए, जस्ट आइए। चलो बुग्गू तो उठ चुकी है गाइस। और इस रूम में बहुत गर्मी हो रही है पता है, क्योंकि ये देखो धूप, बहुत तेज़ धूप आती है। और ये मेरा बेचारा ट्राईपॉड, जो कि इसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ यार, बहुत कम यूज़ करती हूँ। यार देखो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा धूप आती है, ये देखो, ओ भाई ऐसा है इधर बाहर। और अभी ये सब रख देती हूँ मैं, सब चीज़ों को ये सब चीज़ें रख देती हूँ उसके बाद। और देखो गाइस कैसे धूप लग रही है यहाँ पे, चटक एकदम, ये देखो। मस्त वाली धूप, गद्दे बाहर डालने की जरूरत ही नहीं है, उधर से भी आ जाती है, इधर से भी आ जाती है। ये देखो बिस्तर में पूरी धूप ही धूप है, मस्त वाली। तो बुग्गू तो यहाँ सोई है, लेटी है मतलब बुग्गू यहाँ पे, ये देखो मौला बुग्गू छोरी है अभी भी इसको गर्म लगा वहाँ फिर आ गई इधर, है ना चिन्हू, हो ना मोलो टिटू, छोजा छोजा। बुग्गू के लिए ये मंगाया है, अब इसको देखता है। अब बुग्गू ने देखो मेरी बिंदी लगा रखी है और ये मैंने मंगाया, देखते हैं कैसा आया है। ये मैंने मीशो से मंगाया था बुग्गू के लिए, ये टॉय मतलब छोटे छोटे ब्लॉक टाइप के, पहले इसको नहलाती हूँ उसके बाद ये खेलेगी इससे। तो बुग्गू को मैंने नहला दिया है और अब बुग्गू का गिफ्ट ये है, आ जाओ सुनो यहाँ पे, गिनना नहीं सुनो, ये लो आप ओपन करोगे मम्मा करे, ए गॉड ब्लेस, ठीक है। तो गाइज मैंने बुग्गू के लिए ये मंगाया था जिससे घर वगैरह सब कुछ बना सकती है, ये लो सुनो अब आप खेल लो ठीक है तो गाइज एक और पार्सल आया है जो कि मैंने देखते हैं मंगाया था, लेकिन देखते हैं कैसे आता है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी मैंने ओपन किया है, अभी खुद भी नहीं देखा मैंने। यार बिल्कुल ही अलग आए हैं, ग्रीन तो मैंने मंगाया ही नहीं था यार,
तो देखो गाइस, ये दो आए हैं, ये मुझे पड़े हैं 150 के। यार मैंने पर्पल मंगाया था लेकिन ये ग्रीन आया है। अच्छा तो लग रहा है लेकिन मैंने पर्पल मंगाया था। कैसे लोग गए ये, मीशो से मंगाया था मैंने ये। सच में यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतने बुरे भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है, और मैंने कुछ और भी मंगाया है, फिर देखती हूँ वहाँ सही लगेगा या फिर इधर ही सही लगेगा। अभी आएंगे, मैंने मंगाए हैं खूब सारे। और गाइस, गुगु को नहला के खाना खिला दिया है मैंने, और अब मैं भी नहा गई हूँ। और यार सच में आज मेरे हबी बना रहे हैं बिरयानी, और इतनी भूख लग गई है ना, मतलब 2 बज चुकी है। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और बिरयानी बना रहे हैं लेकिन वेज बिरयानी बन रही है, नॉन वेज नहीं। और अभी बताने कितना टाइम लगे, जिस दिन हबी बनाते हैं उस दिन बहुत टाइम लग जाता है यार। और जिस दिन मतलब हम नाश्ता तो करते ही, तो नाश्ता तो हम करते नहीं है गाइस, और इसलिए मतलब हम वैसे फिर जैसे मैं लंच बनाती हूँ दाल चावल, तो हम 11:30-11 बजे तक खा लेते हैं। हो भाई, चटनी बनाई और इतनी मिर्ची हो गई है। और हाँ, तो जिस दिन बुगु के पापा खाना बनाते उस दिन बहुत टाइम हो जाता है, और मेरे पेट में ऐसे चूहे कूद रहे हैं ना। सच में यार मुझे पता नहीं था आज भी इतनी लेट हो जाएगी, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ खा ही लेती, फ्रूट्स ही खा लेती। पर अब थोड़ा ही टाइम है, मतलब 15-20 मिनट, तो अब क्या ही खाना, अब सीधे बिरयानी खाऊंगी। पर बुगु को भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। बुगु, नींद आ रही है? नहीं आ रही है आज, जल्दी उठ गई थी, इसको बहुत नींद आ रही है, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरे को नींद आ रही है, इतने बाल झड़ रहे ना गाइस। और इसके लिए मैंने बनाया उस और क्या बोलते हैं, घर घूर बनाया इसने, फिर वैसे फैला के रख दिए वो सारे। और थोड़ा सा इसने देखा 1/2 घंटे, उसके बाद अब इसको देख ही नहीं रही है वो, कि मम्मा ने कुछ मंगाए भी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है यार। जब उसका मूड करेगा तब वो खेलेगी। और ये देख रही है अभी ओ को ले ली, बहुत दीवानी है इसकी, और चुड़ैल देखती है, भूत हॉरर स्टोरीज को दिखा दो बिल्कुल भी नहीं डरती है, पता नहीं क्या है। बिल्कुल भी नहीं डरती यार, हम डर जाएंगे पर ये नहीं डरती है। तो बस अभी वेट है केवल बिरयानी खाने का, और बहुत भूख लग गई है यार, मरने वाली हूँ मैं तो। और गाइस, बिरयानी बन चुकी है, अभी इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, इसके बाद इसमें मसाले मतलब जो नीचे है वो ऊपर भी आ जाएंगे, सब मिक्स हो जाएगा, फिर खाते हैं। और 2:30 बज चुकी है, बहुत भूख लगी है। तो देखा गुड इवनिंग गाइस, और यहाँ पे चल रही है तैयारी मेरे हब्बी जी की, और काय की तैयारी पता है, कॉमेडी, ये कॉमेडी शॉर्ट्स बनाना भी इन्होंने स्टार्ट करा है। और मतलब मुझे तो मतलब तारीफ वाली बात नहीं है, मुझे तो बहुत हंसी आती है, और मतलब बहुत ही अच्छी बनाते हैं। और लेकिन हाँ, मेहनत तो बहुत लगती है यार इस पे, बहुत ज़्यादा मेहनत। एडिटिंग करो, पहले बनाओ फिर एडिटिंग करो, मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है, फिर थंबनेल वगैरह जो भी है। और बस ये तो चलो, और अब अभी उठ रहे हैं हम, और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय। और गाइस, फिर हम चाय वाय पी के चले गए थे थोड़ा घूमने, मतलब आगे तक। और फिर हाँ, तो आगने के बाद, और आज सबसे खतरनाक बात ये है कि आज सिया के पापा ने, मतलब सिया के पापा 3 बजे से किचन में ही लगे हुए हैं, और पता नहीं क्या बना के बोल रहे हैं। तो बैठ ही रहे, मैं तेरे को वो बना के खिलाता हूँ। और गाइस, 3 बजे से लगे हुए हैं ये, सच में मतलब आज इन्होंने इतनी मेहनत करी है, मतलब मेरे को तो इतना शौक नहीं है, मतलब हाँ खाने का शौक है, मतलब इतना भी नहीं है कि मुझे बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ, जो मुझे मतलब अच्छा लगे तो मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये 3 बजे से लगे हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये देखो वेज कबाब इन्होंने बनाया है, थोड़ी ये है प्लेट में रखे, थोड़ा ये है, और अब देखते हैं ये कैसे होता है खाने में। यार ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है बंदा। तो
मैं ये बुकू देखो यहाँ है, ये इसका तो पता नहीं क्या चल रहा है। और ये आ चुका है और हम ये खाने वाले हैं आज डिनर में। और बस और थोड़े से अनियन काटे हैं, बस हम यही खाने वाले हैं। और बुग्गू को तो मैंने खिला दिया, बुग्गू तो फ़ोन पे लगी हुई है, इसकी बहुत गंदी आदत हो गई है फ़ोन पे लगने की, पिटाई खाएगी मेरी बहुत ज़्यादा। तो मैं खा रही हूँ विद चटनी और टेस्ट कर रही हूँ, तारीफ भाई कर रही हूँ। वाह यार बहुत टेस्टी बने हैं यार, 3 बजे से लगे हुए थे ये, अब जाके फाइनल हुए हैं। और अभी टाइम पता क्या हो रहा है, 9 बज रही है 9। बहुत मेहनत ही है भाई खिलाने में। चलो गाइस हमने डिनर कर लिया है और हम मूवी देख रहे हैं ओ माय गॉड, और गुगू भी यहाँ पे बैठी हुई है। और चलो अब हम मतलब सो जाते हैं, मतलब मूवी देख के हम सीधे सो रहे हैं। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, अपना ध्यान रखना अच्छे से।